नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन। बात करेंगे आज होने वाले मुकाबले के बारे में, जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स है तो वहीं दूसरी ओर है मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीम इस समय इस सीजन के अंदर पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे चल रही हैं। बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें टीम को 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं 2 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स जो है प्लेऑफ की राह हालांकि आसान नजर नहीं आ रही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इस समय कोलकाता ने 11 मैच खेले हैं, 11 मुकाबलों में से टीम को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं 7 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोनों के हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात करें तो अब तक कुल 30 मुकाबले खेलेंगे जिसमें मुंबई इंडियंस ने 22 मुकाबले अब तक जीते हैं, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 जीते हैं। ऑन पेपर अगर नजर आ ले तो मुंबई इंडियंस टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन इस सीजन की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस काफी पिछड़ती हुई नजर आई है। शुरुआत से ही हमने देखा कि मुंबई इंडियंस को लगातार 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने अपने 2 मुकाबले जीते, यानी कि पिछले 2 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है, एक मोमेंटम मिला है, लेकिन प्लेऑफ के लिए जो उनकी राह थी वो अब बहुत दूर हो चुकी है। यानी कि इस साल इस सीज़न में टॉप 4 में मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी जगह नहीं बना सकती है और अब इस समय 10वें स्थान पर है तो इतना आसान नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की, और तो अगर टीम को प्लेऑफ में पहुंचना है तो ये मुकाबला उनको जीतना होगा और बड़े अंतर से मुकाबला जीतना होगा, और ऐसे में उनके जो खिलाड़ी हैं उनको आज अच्छा परफॉर्मेंस देना ही होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की अगर बात करें तो एरन फिंच टीम में वापस आए हैं, लेकिन एरन फिंच जो है अब तक बड़ा प्रदर्शन नहीं निकल कर आ रहा उनकी पारी से। साथ ही अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान, उन्होंने कुछ इनिंग जरूर अच्छी खेली, लेकिन एक बड़ी नॉक की जरूरत है कैप्टन से आज के मैच में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो वहीं मध्य क्रम में अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने रन्स किए हैं, साथ ही नीतीश राणा ने भी रन्स किए हैं, कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं नीतीश राणा। आंद्रे रसल की बात करें, सुनील नारायण की बात करें, ये सारे मैच विनिंग प्लेयर हैं जिनको आज के मैच में अपना बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। वहीं साथ में उमेश यादव और टिम साउदी के ऊपर जो है गेंदबाजी का भार रहेगा, इन दोनों फास्ट बॉलर्स को आज अच्छी लय में गेंदबाजी करनी होगी ताकि मुंबई इंडियंस को एक बड़े टोटल बनाने से रोका जाए। बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस का लगातार हम देख रहे हैं कि सीज़न अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन पिछले 2 मैचों में रन्स बनते नजर आए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने भी पार्टनरशिप्स लगाई हैं, कुछ रन्स बने हैं। साथ में सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें, उनके लिए सीज़न बहुत अच्छा है, लगातार उन्होंने रन्स किए हैं, तो आज के मैच में उनके बल्ले से भी बड़े रन्स निकल सकते हैं। साथ ही टिम डेविड को भी मौका दिया गया, टिम डेविड ने भी रन्स बनाए हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो ऑलराउंडर की कमी कहीं ना कहीं इस टीम के अंदर नज़र आती है, और केरन पिलाड की अगर मैं बात करूं तो केरन पिलाड ने पिछले मैच में रन्स किए, तो ऐसे में केरन पिलाड भी बड़ी हिटिंग आज कर सकते हैं। और गेंदबाजी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है इस सीज़न में मुंबई इंडियंस का। अगर आप देखिए जब से ट्रेंट बोल्ट राजस्थान में गए हैं तो मुंबई इंडियंस की जो गेंदबाजी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो कहीं ना कहीं कम नज़र हुई है। रिले मैडिस ज़रूर हैं, जसप्रीत बुमराह ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मुंबई इंडियंस को बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा जो पिछले परफॉर्मेंस में वो दे करके आए हैं। तो एक बड़ा मुकाबला आज आपका इंतजार कर रहा है। ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से मैच हार जाते हैं तो फिर प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा और टीम यहाँ से प्लेऑफ में नहीं पहुँच पाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के पास खोने का कुछ है नहीं, वो यहाँ से बाकी टीमों का ज़रूर खेल बिगाड़ सकती है और शायद कोलकाता नाइट राइडर्स उनमें से एक हो, लेकिन मैच बहुत दिलचस्प रहेगा। शाम 7:30 बजे मैच होना है। आप अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख करके हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और IPL से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आप ABP लाइव के साथ बने रहिएगा।